तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता मैं तेरा तू मेरी धीरे धीरे से हो गए धीरे से। गैस आज के टाइम में टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कपल और पसंदीदा जोड़ी की बात करते हैं तो लोग करण और तेजस्वी प्रकाश का ही नाम लेते हैं। गैस ये बात तो आप सब जानती हैं कि करण और तेजस्वी रिलेशनशिप में हैं और इन दोनों ने कभी भी इस बात को हाइड नहीं किया। लेकिन गैस ज़्यादातर लोगों को इन दोनों की लव हिस्ट्री नहीं पता, तो गैस आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की प्यारी सी लव हिस्ट्री के बारे में। तो गैस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ तो जल्द से जल्द पहुंच सके। टियां ऊंचियां रखियां ओ नारा वो जट दे पीछे आ पर तू मेनू बाली ही जचदी मेरा विच भाई असा तेरे ते आंदा जांदा। उनका फुल नेम है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी का जन्म 10th जून साल 1993 को जेद्दा सऊदी अरब में हुआ। फिलहाल उनकी उम्र है 30 इयर्स। तेजस्वी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तेजस्वी बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी और स्कूलिंग खत्म करने के बाद और मॉडलिंग ट्राई करना शुरू कर दिया था उन्होंने। साल 2012 में लाइफ हुई का टीवी शो 26/11 से अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत किया उन्होंने। तब तेजस्वी की उम्र सिर्फ 20 साल था। साल 2013 में भी उन्होंने एक टीवी शो में काम किया था, लेकिन उनको असल पहचान साल 2015 में स्वरागिनी टीवी शो से मिला, जिसमें उन्होंने रागिनी नाम का एक लड़की का किरदार निभाया था। इसके अलावा पहरेदार प्रिया की नागिन ये सबसे भी उनको अच्छी खासी पहचान मिली। टीवी शो से तो अच्छी खासी पॉपुलर हो गई थी, बट इससे ज़्यादा पहचान उनको इंडिया का सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 से मिली। इस शो में तेजस्वी को लोगों ने बहुत प्यार दिया और आखिर में तेजस्वी बिग बॉस 15 की विनर बन गई। गाइस अब बात करते हैं करण कुंद्रा के बारे में। उनका फुल नेम है करण कुंद्रा। करण का जन्म 11th अक्टूबर साल 1984 को जलंधर पंजाब इंडिया में हुआ। करण के पापा एक बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपना MBA US से कंप्लीट किया। करण के पापा का सपना था कि करण बिजनेसमैन बने, बट करण को मॉडलिंग का ज़्यादा शौक था क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वो बिजनेस करें, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम बिजनेस भी किया। साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग भी करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में करण ने मेल ब्यूटी प्रेजेंट इंडिया में पार्टिसिपेट किया और करण इस ब्यूटी प्रेजेंट के फाइनलिस्ट रहे। कुछ साल करण ने एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्राई करते रहे। साल 2009 में उनको पहला शो मिला एकता कपूर का शो कितनी मोहब्बत है। इस शो में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। इसके बाद एक के बाद एक शो में उनको काम मिलता गया। बॉलीवुड और पंजाबी मूवीज में भी काम कर चुके हैं और करण को एक बड़ी पहचान मिली बिग बॉस 15 से। साल 2015 में करण की मुलाकात एक्ट्रेस अनुषा दांडीकर से हुई और पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर दोस्ती हुई और देखते देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गया। करण ने सोशल मीडिया में एक खुलासा भी किया था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। वैसे बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में। एक्चुअली करण और तेजस्वी बिग बॉस में जाने से पहले मिल चुके थे, लेकिन जब दोनों बिग बॉस से मिले तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बिग बॉस के घर पर करण तेजस्वी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे और धीरे धीरे तेजस्वी करण की ओर अट्रैक्ट होती चली गई। करण ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तेजस्वी को सब कुछ सच सच बता दिया था, साथ ही साथ ब्रेकअप का रीज़न ही बता दिया था। ये सब तेजस्वी को बहुत पसंद आया। लोगों को दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगने लगी, इसलिए सोशल मीडिया में हैशटैग तेजनन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा। जैसे जैसे ये शो खत्म होता जा रहा था, इन दोनों के बीच प्यार बढ़ते जा रहा था और उस टाइम कुछ लोगों ने इन पर एलिगेशन लगाया कि गेम में ज़्यादा दिखने के लिए दोनों प्यार का झूठा नाटक कर रहे हैं। शो खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन गाइस शो खत्म होने के बाद भी इन दोनों का रिश्ता वैसा का वैसे ही रहा। दोनों की शादी भी 2023 में होने वाली थी, लेकिन तेजस्वी ने कुछ शो में साइन कर रखा है पर इसलिए उनकी शादी की डेट आगे बढ़ चुकी है। बिग बॉस के बाद उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में काम किया है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है और एक साथ काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और दोनों खुश भी होते रहते हैं। गाइस आप लोगों को इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इन दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है ये भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप बता दीजिए शुक्रिया एंड थैंक यू।